अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो आज मैं आपको ऐसी वेबसाइट बताने जा रहा हूँ जहाँ पे आपसे बने बनाए आपको स्केच मिल जाएंगे। तो आपने उन स्केच को डाउनलोड करना है या वहाँ पे भी आप ऑनलाइन में भी आप जाके उसमें कलर भर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है जब उसमें आप कलर भर लेंगे तो वो बहुत ही ज़बरदस्त अपनी मर्जी के कलर भर सकते हैं, उसका NFT बहुत ज़बरदस्त अच्छी बना सकते हैं। जैसे अगर आपको पता है कि OpenSea में बहुत ज़्यादा महंगी NFTs बिक रही है, अगर आपको नहीं इसके बारे में पता है YouTube में जाकर सर्च करके आप काफ़ी सारी इसकी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आप कैसे और किस तरीके से अपने एंड्रॉयड मोबाइल में उसे फ्री में कर सकते हैं तो मैं वो आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। और अपनी मर्जी का रंग भर के अपनी मर्जी की इसकी आप रकम रख के OpenSea पे से अपलोड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी रकम में आपकी बिक सकती है। ये अमेजिंग वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो लाऊं तो पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जैसा कि हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ गए तो सबसे पहले आपने अपने गूगल में जाना है और यहां पे जाकर वेबसाइट का नाम लिखना है। जो थी वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूं तो आपने इस वेबसाइट का नाम लिखना है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं NFTRTD.com। आपने सिर्फ ये लिखना है, उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च कर देना है। तो जैसे ही आप कुछ सर्च करेंगे तो कुछ लोडिंग होगी, उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा जहाँ पे क्रिएट आ 3D आर्ट आप आसानी से कर सकते हैं। तो अपलोड वाला भी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है। तो मैं इसको पहले डेस्कटॉप में कर दूं, 3 डॉट पे क्लिक करके ये जो ऊपर दिख रहे हैं आपने इस पर क्लिक करना, उसके बाद डेस्कटॉप साइड पे कर देना ताकि आप आसानी से पिक्चर अपनी अपलोड कर सकें। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, तो जब बड़ा सा निशान देख रहे हैं अपलोड इमेजेस वाला, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरी गैलरी ओपन हो जाएगी, कह रही है यहाँ से कोई भी आप अपनी तस्वीर ले सकते हैं। तो इसमें से मैं एक पिक्चर अपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद ये नीचे ऑप्शन आप देख रहे हैं एरो का ये वाला, तो इसमें यह कह रहा है आप विदाउट बैकग्राउंड करना चाहते हो, तो मैं जी विदाउट बैकग्राउंड करना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको इफेक्ट यहाँ पे दिख जाएगा, आप जो सा इफेक्ट लगाना चाहते हैं आप यहाँ से लगा सकते हैं उसे। जैसे कि मैं फर्स्ट वाला इफेक्ट जो आप दरिया और पुल वाला देख रहे हैं, मैं इसको लगा लेता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा उसके बाद फिर नीचे एरो का निशान है कि आप इस पर ही बनाना चाहते हैं ये वाला ऑप्शन पर, ठीक है। तो आपने इस पर कर देना, तो आपकी पिक पर थोड़ा सा प्रोसेस होगा, अपने आप वो वाला इफेक्ट लग जाएगा जो आपने पिक चूज़ की हुई होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारा वो NFT में लग गया है कि नहीं हमारी पिक्चर में। वो लगने से ये होगा कि आपकी जो तस्वीर होगी कॉपीराइट बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उसका वो सारा जो बैकग्राउंड वगैरह होगा वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आपकी बेस्ट NFT हो जाएगी और वो किसी का नहीं रहेगा, आपको कॉपीराइट का ऑप्शन बिल्कुल भी देखने के नहीं आएगा। और जो आप ऊपर ऑप्शन देख रहे हैं इसमें बहुत बहुत बेस्ट इफेक्ट है, आप वो भी इसमें से यूज़ कर सकते हैं। तो देख रहे हैं मेरी NFT कुछ इस तरीके से ड्राइंग हो चुकी है। और उसके बाद अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो, इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं डाउनलोड करने के, एक JPG का, एक दो और। इसमें से आपने जो फर्स्ट वाला ऑप्शन देख रहे हैं ना, ये वाला IGF, तो आपने इस पर ही क्लिक करके ये वाले पर, ठीक है, आपने इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लें तो ठीक है, नहीं करना उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आप ये ऊपर इफेक्ट देख रहे हैं ये वाले, तो इसमें से मैं ये वाला इफेक्ट क्लिक करता हूँ। उसके बाद फिर दोबारा मुझे बोलेगा कि आप अपनी कोई पिक अपलोड करो जिसपे इफेक्ट लगाना चाहते हैं। तो मैं दोबारा जाता हूँ पिक अपलोड वाली जगह पर, मैं वहाँ से अपनी फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया मेरी गैलरी ओपन होगी, तो मैं दोबारा वही फोटो क्लिक कर लेता हूँ और वहाँ चला जाता हूँ। उसके बाद फिर मुझे बोल रहा है विदाउट बैकग्राउंड या आप कौन सा इफेक्ट लगाना चाहते हो, तो इसमें से मैं कोई भी इफेक्ट यूज़ कर लेता हूँ। 3 इफेक्ट इसमें लग सकते हैं, तो इसमें से एक इफेक्ट यूज़ करके मैं एरो वाले पर क्लिक करूँगा तो मेरी प्रोसेस तस्वीर की शुरू हो जाएगी। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा देखना थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद मेरी पिक मेरे सामने NFT बन के आ जाएगी जो मैंने चूज़ की, मगर इस बार उसका इफेक्ट चेंज होगा क्योंकि मैंने ऊपर से इसका इफेक्ट चेंज कर दिया। तो आप कोई भी इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी बहुत ही अच्छी NFT बन सकती है। सिर्फ आपको एक दो क्लिक करना है, ज़्यादा काम इसमें आपने नहीं करना। तो एक कुछ सेकंड की रहेगी, जैसी ही होती मुकम्मल मैं आपको दिखाता हूँ। देखें जी, जैसे ही मुकम्मल हो गई थी थोड़ा सा शो होने में लोड ले रही, क्योंकि नेट थोड़ा स्लो है, देखिए मेरी शो होगी NFT बिल्कुल चेंज होगी, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसको वहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, इसको सेल कर सकता हूँ OpenSea पे आराम से जाके। उसके बाद एक और बहुत मज़े की बात जो मैं आपको बताऊँ, ये जो आप ऊपर निशान देख रहे हैं ना ये वाले, और जो इसमें जो इसके नीचे वाली लाइन में जो आप लास्ट वाला देख रहे हैं ये वाला ऑनलाइन कर्लिंग वाला, ठीक है, आप इस पर आपको स्क्रैच वाला, ठीक है, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस, नया पेज आपके सामने खुल जाएगा और यहां पे बहुत ही मजा आपको आने वाला है। जैसे ही ऐसा पेज ओपन होगा जी, यहाँ पे आपको स्केच दे दिए जाएंगे काफ़ी सारे, जो आप खुद कलर करके, जो कि फिर तो कंफर्म आपकी NFT हो ही जाएगी। आप पेंटिंग देख सकते हैं, गुड़िया की देख सकते हैं, बहुत बहुत अच्छी खूबसूरत है। एक तो आपको शौक भी पूरा होता रहेगा और आपकी NFT भी तैयार हो जाएगी। तो जैसे मैं इस पर करना चाहता हूँ तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको रंग के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं ड्रॉपर्स आपको दिखाई दे रहा है ये, तो ये आपको कलर यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जिस पर मैं क्लिक करना चाहता हूँ, मैंने एक बार क्लिक करना, तो यहां से मैं कलर चूज कर लेता हूं कोई भी।
मैंने रेड चूज किया, कहाँ करना है मैंने यहाँ करना है, मैंने क्लिक किया और खुद ब खुद वहाँ पे कलर होगा। ज़्यादा करने की जरूरत है, सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट वाला काम करना है, यहाँ से कलर उठाना है और यहाँ पे आगे कहीं भी लगा देना, तो आपकी तस्वीर में कलर लगते जाएंगे। आप बहुत ही प्यारी इसकी पेंटिंग तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आपका इसमें शौक बहुत ज़्यादा पूरा होगा। जैसा आप अपनी जितनी अच्छे कलर भरेंगे, जितनी ज़्यादा अच्छी NFT बनाएंगे इसकी, आपको उतनी ही ज़्यादा चांसेज हैं आपकी आराम से वहाँ पर बिक जाए। तो यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल रहा है, आप यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ, और आप अगर नहीं डाउनलोड करना चाहते, शॉर्टकटली यूज़ करना चाहते, तो आपके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, तो मैं अपना स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूँ आपको। तो आपने इस तरीके से भी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लेना, तो आप डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यार डाउनलोड हो जाएगी। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।